फ्रेंड, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आप देख सकते हो ये IGBT बेस इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। इसका तीन कार्ड है, एक टॉप कार्ड है, एक मिडिल कार्ड है, एक बॉटम कार्ड है। फ्रेंड, एक कस्टमर ने दिया है, इसका कहना है जो PWM ड्राइव आउटपुट होता है, जो ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए आता है 10 वोल्ट के आसपास, वो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मैं पहले इसको चेक करता हूँ। देखिए, मैंने इधर स्विच दे दिया, रिले ऑन हो गया, रिले ऑन हो गया। मैं इस जगह में वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, एसी में मीटर प्रॉप को एसी में रख के नहीं दे रहा, ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन मैं डीसी में आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर डीसी दिखा दे रहा हूँ। देखिए 27, इधर 26 आ रहा है, मतलब थोड़ा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, कैपेसिटर चार्जर लोड नहीं है, तो इधर आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। और फ्रेंड, ये सब ड्राइवर है, वो ब्लास्ट हो गया था, वो सही कर लेता, लेकिन ड्राइव की वजह से प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने ये बेस लगा के 3846 IC लगाया। और पार्टी का कहना था ये वोल्टेज आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब ड्राइव वोल्टेज आ रहा है, कम आ रहा है, पार्टी का कहना था। देखिए फ्रेंड, ये कम आता है, ज़्यादा आता है, इसके लिए अगर ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ये 10 वोल्ट ही आएगा, 5 वोल्ट 6 वोल्ट भी आ सकता है। IGBT में नॉर्मली ड्राइव वोल्टेज कम आता है, MOSFET में 10 वोल्ट के आसपास आता है, तो ये IGBT बेस वेल्डिंग मशीन है, इसलिए कम आएगा। और क्या है? अभी जीरो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है फ्रेंड, आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके लिए इधर जो मेरे पास एक ड्राइंग है, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, लेकिन वो फंक्शन सब एक ही है फ्रेंड। IGBT में ड्राइव चेक करने के लिए इसका जो PWM आउटपुट है, 11 नंबर और 14 नंबर पिन में PWM आउटपुट होना चाहिए। वो आउटपुट का नहीं आ रहा है, तो उससे पहले चेक करना चाहिए ये IC में जो VCC वोल्टेज है, VCC और VCC वोल्टेज है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। अगर VCC वोल्टेज है, उसके बाद इसका एक V रेफरेंस वोल्टेज होता है, वो V रेफरेंस वोल्टेज है कि नहीं, उसके बाद जब V रेफरेंस वोल्टेज आएगा तब उसका अंदर टाइम CT RT रहता है और डिस्चार्ज रहता है, DC रहता है, वो तीनों में वोल्टेज होना चाहिए। तो फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम आता है ना, ड्राइव वोल्टेज कम आ रहा है, IC भी चेंज करते हो लेकिन ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल एक चीज करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अब समझ में आ जाएगा क्या जगह मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए वीडियो, तो खुद से एनालिसिस कर पाओगे। देखिए, मैं एक कैपेसिटर लगाया, फिर इसको पावर दे रहा हूँ, रिले ऑन हो गया, मैं आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूं। फ्रेंड, 1 वोल्ट है, अभी आउटपुट थोड़ी देर पहले नहीं था, आपको दिखा भी दे रहा हूं, मैं इसको काट दे रहा हूं, इसको काट दिया, फिर मैंने लगा रहा हूं। देखिए, आउटपुट वोल्टेज 0 है, इसको लगा दे रहा हूँ, खुल गया, तो 1 वोल्ट आ रहा है, मतलब इधर कैपेसिटर लगा है फ्रेंड। एक कैपेसिटर, कैपेसिटर को मैंने लगा दिया, फिर मैं पावर दे रहा हूँ। देखिए, रिले ऑन हो गया, अब देखिए आउटपुट वोल्टेज फ्रेंड, देखिए 3.2 हो गया। फिर मैंने आउटपुट वोल्टेज को और भी चेक करके दिखा रहा हूँ। मैंने फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, रिले ऑन हो गया, देखिए देखिए फ्रेंड 6 वोल्ट आ गया। फिर इधर से आप लोगों को क्या समझ आया,
एक कैपेसिटर जो डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है, सॉरी टाइमिंग कैपेसिटर होता है, सीटी होता है टाइमिंग कैपेसिटर, अगर टाइमिंग कैपेसिटर की वैल्यू घट जाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग नहीं कर पाएगा तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इनपुट वोल्ट ड्राइव वोल्टेज जो है PWM पल्स है वो कम आता है। तो इसलिए जब आप लोग को ऐसे डाउट लगे जो वोल्टेज कम आ रहा है तो आप उसका कैपेसिटर वैल्यू चेक कर सकते हो, नहीं तो ये कैपेसिटर का तो रेट बहुत कम है, आप इसको चेंज कर सकते हो। फ्रेंड एक्चुअली इसका फॉल्ट क्या हुआ था अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये कैपेसिटर ये थोड़ा खराब हो गया, ऊपर उभर आया है, खराब हो गया, इसलिए उसका जो वैल्यू और काम करने की क्षमता खराब हो गया, मतलब वैल्यू कम गया। तो जब स्विच IGBT वेल्डिंग हो रहा था उस टाइम वो मिस कर गया, स्विचिंग कर दिया ज़्यादा, उसका वैल्यू फ्लक्चुएशन हो गया, उसके वजह से हाई ऑसिलेशन होके ये सारे ड्राइवर को IGBT को खराब कर दिया और ड्राइवर कार को भी खराब कर दिया। फ्रेंड ये अभी इसको रिपेयर करने के लिए इसका वैल्यू है 103 PF है, लगाना पड़ेगा इसको। इधर आप देख सकते हो एक 22 ओम्स का करके रेजिस्टेंस दिया है और 471 2 KV का PF करके लगा था इधर, इस जगह दो लगाना पड़ेगा। और ये ड्राइव खराब हो गया ड्राइव कार्ड, अभी ड्राइव कार्ड को रिपेयर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ड्राइव कार्ड को रिपेयर करूँगा, उसके बाद मेरे पास IGBT अभी फिलहाल है नहीं, उसको लगाना पड़ेगा। फिर कैपेसिटर को मैंने लगा दिया, मैं स्विच दे रहा हूँ, अब देखिए स्विच दे दिया, अभी पल्स आउटपुट हो गया, पल्स आउटपुट हो गया, AC पल्स में आउटपुट हो रहा है। अब इधर देख सकते हो सारे डायोड एक खराब हो गया था, मैंने इसको खोल के रखा, दो डायोड खराब हो गया था। एक्चुअली इधर ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, इधर एक एक साइड चैनल एक एक IGBT को ट्रिगरिंग करने के लिए देखिए एक डायोड और दो रेजिस्टेंस लगता है और एक कैपेसिटर लगता है। तो इधर दो डायोड खराब था, इसको खोल दिया और सारे रेजिस्टेंस को मैं खोल दूंगा अभी। क्योंकि मैं इधर जब कर रहा हूँ रेजिस्टेंस का कितना दाम है मैं इसलिए नया लगा दूंगा। देखिए रेजिस्टेंस खराब है क्योंकि हाई वोल्टेज गया है ना, हाई एम्पेयर वोल्टेज करंट इधर से चला गया, शॉर्ट हो गया तो हाई एम्पेयर भी जाएगा और वोल्टेज भी जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको इसलिए मैंने इसको नया लगाऊंगा, सारे नया लगा दूंगा देख के थोड़ा। फ्रेंड देखिए मैं इधर PCB को साफ कर दिया, सारे पुराना रेजिस्टेंस उठा दिया हूँ, लेकिन फिर काम करते करते इधर एक फॉइल उड़ गया, इधर एक फॉइल डैमेज हो गया, तो ये ध्यान देना है जब लगाना है क्योंकि इस जगह में थोड़ा बहुत एरर रह जाएगा तो डायरेक्ट IGBT को उड़ा देगा। फ्रेंड ये चीज़ ध्यान देना है, इस जगह कुछ होगा तो क्या होगा, एक कंट्रोल सर्किट में होगा तो IGBT को पल्स नहीं देता है नॉर्मली ऐसे लगाना टाइम में, लेकिन इधर होगा तो कोई बात नहीं सुनेगा उड़ा देगा, इसलिए फ्रेंड ये चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड अभी मैं 5.6 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ देख सकते हो, ऐसे इधर लगा दे रहा हूँ, तो इसको सोल्डरिंग करके काट भी दूंगा अभी साथ साथ। फ्रेंड ये 5.6 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ये डायोड के साथ सीरीज करके रहता है,
फ्रेंड ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर फ्रेंड देखिए मैं इधर 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ फ्रेंड, ए सीरीज नहीं रहता, ये डायरेक्ट क्या रहता है, सर रेजिस्टेंस को लगा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद काटेंगे। तो बीच में जो है जितना है वो 5.6 का है, इसको लगा दे रहा इधर तो डायोड है, डायोड को भी लगा दे रहा हूँ। डायोड का नंबर है IN58। फ्रेंड अभी मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। फिलहाल तो वेल्डिंग मशीन रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बाद पावर, एक्चुअली मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करता हूँ, तो सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उन लोग उस चीज़ का ट्रेनिंग दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सको, व्हाट्सएप कर सकते हो। फ्रेंड ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड अभी थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, इसको काट ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। फ्रेंड देखिए इधर जो फॉइल उठ गया था, मैंने क्या कर रहा हूँ इधर सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। एक्चुअली टू लेयर पीसीबी है, नीचे भी है, लेकिन मैं रिक्स नहीं लेता हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, इसके वजह से IGBT फूट सकता है IGBT, तो ऐसे रिक्स मत लूँगा, आप लोग भी मत लीजिए, इसलिए जोड़ दीजिए जहाँ जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर इधर से एक फॉइल उठ गया था, मैं इसको लगा दूँगा। फ्रेंड ये ड्राइवर कार्ड को काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऊपर में ऐसे लगा है ट्रांसफार्मर ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। अगर आप एक स्टैंड बना सकते हो जिसमें लगा के काम करते हैं PCB, मोबाइल रिपेयर जो लोग करते हैं ना उनके पास रहता है, ऐसे चाहो तो बना सकते हो। और फ्रेंड आपको ये कार्ड चाहिए, ऐसे PCB चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, मैं सारे लगा दिया, उसके बाद इस वायर को सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। फ्रेंड
अभी पल्स चेक करेंगे, पल्स तो नहीं हो पाएगा इस मीटर से, वोल्टेज ही होगा तो देखा होगा। देखिए मीटर को 200 AC दिया है, अब देखिए 5.13 आ रहा है, इधर सेम आना चाहिए। देखिए अभी चेंज कर दूंगा तो सेम ही हो जाएगा। थोड़ा ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं इसलिए बोल दे रहा हूँ। देखिए 6 आ रहा है, लेकिन इसको चेंज कर दे रहा हूँ मीटर प्रूफ का, आ रहा है देखिए, इसको भी चेंज कर दे रहा हूँ, आ रहा है फिर AC में आ रहा है, बट DC करूँगा तो नहीं आना चाहिए। करके दिखा रहा हूँ, 200 DC में दिया रहा नहीं आया, ठीक है ये इतना एरर आएगा देख लीजिए, नहीं है ना। ठीक है फ्रेंड, इसका अभी इस जगह में लगाएंगे। सोल्डरिंग कर देंगे, देखिए ये 2 साइड लेयर PCB है। फ्रेंड अभी लगा दिया, वही मैं पावर दे रहा हूँ। अभी सोर्स टू गेट चेक कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ही हो गया, सही हो गया, सही हो गया फ्रेंड। अभी ड्राइव सिग्नल सही हो गया, बट IGBT अभी नहीं लगाऊंगा इसलिए आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, नहीं तो लगा के जब लगाऊंगा तो नहीं तो एक वीडियो पार्ट बना दूंगा। तो आप लोग फिलहाल इस वीडियो में देख लीजिए, अभी इतना तर ठीक हो गया, लेकिन इधर एक रेजिस्टेंस है जो ड्रेन टू सोर्स में लगा रहता है, ठीक है ना। जब IGBT बंद होता है उस टाइम जो सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक कोलैप्स होता है, जब ट्रांसफार्मर से वो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज को क्या ट्रांजिस्टर मतलब IGBT में ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अलग से सर्किट बना के दिया है। एक्चुअली आप बोल सकते हो एक प्रोटेक्शन सर्किट है, तो ये PA बार रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसको लगाना ही पड़ेगा नहीं तो फूट जाएगा। इधर खुला है, इधर खुला है, अरे जो कैपेसिटर के बारे में बोला था, कैपेसिटर नया लगाना है क्योंकि ये डैमेज है, इस ये फिर से प्रॉब्लम कर देगा स्विचिंग में, तो क्या करेगा ये IGBT को बढ़ा सकता है। फ्रेंड काम करने के टाइम में ये ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग लेना है तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, सारी प्रोसीजर क्या कैसे करना है तो मैं बोल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।